हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्मृति आनंद। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग घर पे किस तरीके से फेशियल कर सकते हो, वो भी मैं पर्ल फेशियल करूँगी। और पर्ल फेशियल का यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में रिव्यू भी शेयर करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज़ यू कैन सी गाइस, कि यहाँ पर जो है वो 5 पाउचेस दिए गए हैं इस फेशियल किट में, और जो 6 नंबर है वो है एक फेशियल ऑयल है एज अ सीरम, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये कॉम्फ्री क्रीम है, जिसको आप लोगों को एज अ टोनर और एज अ क्लेंजर यूज़ करना है। इसमें जो एलोवेरा है इसकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, जो आपके फेस को काफ़ी डीपली स्मूथ और ग्लोई बनाता है। इसको आप लोग मसाज कर सकते हो, 2-3-4-5 मिनट तक आप लोग इसको इस तरीके से मसाज कर सकते हो। कॉटन की हेल्प से आप लोगों को इस तरीके से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। अगर आप लोगों के पास टिश्यू पेपर है या फिर वाइप्स है, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा जो है ये स्क्रबिंग का है, जो कि जिंक ऑक्सीडाइज एंड आलमंड से बना हुआ मिक्सर है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जिंक ऑक्सीडाइज हमारे फेस के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, और ये हमारे फेस की टैनिंग को, ब्लैक हेड्स को, सबको रिमूव करेगा और हमारे फेस को काफ़ी क्लीन करेगा। आप लोग अच्छे से इसे मसाज कर सकते हो, मसाज थोड़ा टाइम ले सकते हो, 5 मिनट तो ले सकते हो, क्योंकि जितने अच्छे से मसाज करोगे उतना ही आपका फेस क्लीन होगा। बट ज़रूर ध्यान में रखना एक बात को, कि इतना भी देर मत कर देना ये मसाज की रैशेज पड़ना शुरू हो जाए। बिल्कुल स्मूथ हैंड से आप लोग इसे मसाज कर सकते हो। इसको भी आपको एक गीले कपड़े की हेल्प से अपना इसको रिमूव कर देना। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है, इसका रिजल्ट इतना अच्छा है गाइस कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा। एंड जो थर्ड स्टेप है ये हमारा एक मसाज क्रीम है, जिसे आप लोगों को मसाज करना है, और इसमें पर्ल भस्म की काफ़ी प्रेजेंस है और एलोवेरा भी इसमें काफ़ी है। तो इसे आप लोगों को 3-4 मिनट तक इस तरीके से मसाज करना है, और आप लोग खुद ही अभी देखेंगे कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आया। मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, मैं हर किसी को ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अगर पर्ल का फेशियल कर रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखो और इस तरीके से करो। और मतलब सामने टू सामने इन सेम टाइम आप लोग इसका रिज़ल्ट देख सकते हो कि इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आया है। जेल जैसा ही था, इसलिए मैंने इसको किसी कॉटन से रिमूव नहीं किया। जो फोर्थ स्टेप हमारा है ये एक जेल क्रीम है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हो, जितनी क्वांटिटी में आप लोगों को चाहिए। मैंने तो 2 बार फेशियल किया था, आप लोग एक बार भी कर सकते हो, 2 बार भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जेल से भी हमें मसाज करना है, और ये जेल जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो होते हैं उनको रिमूव करेगा। और आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना एक चीज़ की, आप लोग को मसाज इसी तरीके से करना, अगर आईज़ पर कर रहे हो तो आईज़ को क्लोज करके, एंड देन नेक पर इस तरीके से कर सकते हो, फोरहेड पे इस तरीके से कर सकते हो। और मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने अच्छे से मसाज करोगे उतना ही रिलैक्स फील होगा और मज़ा आएगा, और फेशियल करने में भी अच्छा लगेगा और इसका बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। देन
आप लोग ये स्टेप करना बिल्कुल मत भूलना कि अपने नीचे चिन से लेकर ऊपर चिक तक और नोजी देन फोरहेड, ये वाला स्टेप ज़रूर आप लोग ध्यान रखना। ये वाला स्टेप करना ही होता है और ये जो मैं बार बार कर रही हूँ, हर एक स्टेप में कर रही हूँ, ये एक वाइब्रेशन टाइप का होता है जो कि हमारे फेस को और ख़ुद को काफ़ी रिलैक्स फील कराता है। तो ये वाला स्टेप भी मत भूलना करना। और यहाँ पर मैं थोड़ा तेज़ी में हूँ क्योंकि मुझे अपना नेक भी साथ में क्लीन करना है, तो मैंने स्क्रबिंग भी ले रखा था, इस वजह से मैं अपना नेक भी क्लीन कर ले रही हूँ। फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, अपने फेस को अब क्लीन कर लेते हैं इस कॉटन के हेल्प से। फाइनली आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है पैक लगाना, तो पैक को बस लगा लेना है अपने फेस पर और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 15 मिनट बाद इसको आप चाहे वॉश कर लो या फिर कॉटन की हेल्प से कर लो। इसमें जो है टर्मरिक मिक्स है और इसका कलर भी येलो ही था, सो टर्मरिक इसमें मिक्स है और काफ़ी अच्छा पैक लगा मुझे ये। और खुशबू इसकी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही अच्छी खुशबू थी। सो बस इसको 15 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है एंड 15 मिनट के बाद इसे हमें वॉश कर लेना है, या फिर आप लोग ऐसे ही गीले कपड़े से, कॉटन से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सूख गया है। सो ऐसे इस तरीके से कपड़े अपने कॉटन को इस तरीके से गीला करके अपने फेस पर रख सकते हैं और इसको क्लीन कर सकते हैं अच्छे से। सो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से क्लीन कर लेना है एंड नाउ यू कैन सी गाइस कि कितना ज़बरदस्त ग्लो आया है फेस पर। आप लोग मंथ में एक बार ज़रूर पर्ल का किट यूज़ करें, पर्ल फेशियल को ज़रूर यूज़ करें, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और इसमें एक स्टेप और दिया हुआ था, ये फेशियल ऑयल है जो कि एज अ सीरम आप लोग यूज़ कर सकते हो और इसको छोड़ सकते हो। तो मैं रात को ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं कल मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करूंगी। सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।